अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 जून 2023 और आज बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली जनूबी पंजाब की शहज़ादी बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस बहाल हो चुकी है। इस ट्रेन का जहां काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, वहाँ ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लोगों का, तो उनको बहुत इंतज़ार था इस ट्रेन का। हालांकि जनूबी पंजाब में दूसरी ट्रेनें भी चलती हैं, मुल्तान से कई ट्रेनों का गुज़र होता है, लेकिन ये जो ट्रेन थी ये मुल्तान बाउंड ट्रेन थी, यानी कराची से मुल्तान तक ही चलती थी और वापसी मुल्तान से अपना सफ़र शुरू करती थी, तो लोगों में को सफ़र करने में आसानी होती थी और उनको सीटें भी बआसानी मिल जाती थी। तो एक बार फिर ये ट्रेन बहाल हो चुकी है। ये ट्रेन सैलाब के बायस 2022 में बंद हो गई थी, सिलसिलावार दूसरी ट्रेनें भी बहाल हो रही हैं। इस तरह आज बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस भी बहाल हो चुकी है। इस ट्रेन में एसी स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास और इकानमी क्लास लगी हुई है। ये ट्रेन बहुत स्टाफ करती है, तो इससे ये फ़ायदा भी होगा कि जो वीरान रेलवे स्टेशन थे वो अब बहाल होना शुरू होंगे। अवाम एक्सप्रेस नहीं चल रही, ऐसे में इस ट्रेन का चलना बहुत ही फ़ायदेमंद है पाकिस्तानी अवाम के लिए। कराची से ये ट्रेन शाम 6:30 बजे चला करेगी और मुल्तान से ये ट्रेन 4 बजे शाम चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये ट्रेन बहाल हो गई है। और इसका किराया कराची से मुल्तान तक 1900 रुपये है बर्थ का, और मुख्तलिफ स्टेशन का मुख्तलिफ किराया होगा। मुल्तान से कराची भी इसका यही किराया है। उसके अलावा इसके जो बड़े बड़े स्टॉप हैं, यानी जब कराची से ये निकलती है तो हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, शहदादपुर, दौड़, रोड़ी, घोटकी, रहीम यार खान, आगे इसके जो भी स्टॉप हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ये ट्रेन भी बहाल हो चुकी है और अब दूसरी ट्रेनें भी जल्द बहाल होंगी। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अवाम एक्सप्रेस कब बहाल होगी, ML2 की ट्रेनें कब बहाल होंगी। तो दोस्तों, उसके मुतलक भी कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान रेलवे काम कर रहा है इसके ऊपर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस चलेंगी और पाकिस्तानी अवाम इन ट्रेनों का फ़ायदा उठा सकेंगी। दोबारा भी बारिशें होना शुरू हो गई हैं और हमारी दुआ ये है कि इस बार बारिशें ऐसी ना हो कि दोबारा रेलवे ट्रैक को नुकसान हो, क्योंकि पिछले साल जब ज़्यादा बारिशें हुई थी तो रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान हुआ था और रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका था, जो अभी तक मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सका। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्द दूसरी ट्रेनें भी बहाल होंगी। सर सैद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, बुलान मेल एक्सप्रेस, खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस के मुतल बातें चल रही हैं और आज ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस बहाल हो गई है। ये खुशी की खबर है, मुल्तान और कराची को मिला दिया गया है। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कराची से एक और ट्रेन मुल्तान जाएगी। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान रेलवे तरक्की करे, जो भी मसाइल हैं हल हो, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।